एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयंतिका सिंघानिया। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हुए हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच गाइस। आई नो ओवर एक्टिंग, बट थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर लेती हूँ तो प्लीज झेल लेना यार मुझे। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल व्लॉग। आज का व्लॉग एक्चुअली में होने वाला है कुकिंग व्लॉग, बट मैं क्या कुक करने वाली हूँ वो बहुत बड़ा है। मतलब गाइज, मैं बता दूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और बिहार की जो सबसे फेमस डिश होती है, रेसिपी होती है, वो होती है लिट्टी चोखा। तो आई थॉट कि जब मैं बिहार की हूँ और मेरे को लॉकडाउन में वो वाली फीलिंग भी चाहिए थी कि शाम को कुछ ना कुछ तो हम बनाते रहते हैं, तो आई वॉज लाइक क्यों ना लिट्टी चोखा बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसी लिट्टी चोखा बनाती हूं। तो क्या आप लोगों को अगर जानने में इंटरेस्ट है कि बिहारी लिट्टी चोखा कैसे बनता है तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और अभी तो चलो किचन में देखते हैं, और ऊपर से गाइज इसमें ट्विस्ट भी आने वाला है, वो मैं आपको किचन में जाके बताती हूँ, ठीक है गाइज। मैं अभी किचन में गई थी और कुछ प्रिपरेशन कर ली है कि मुझे लिट्टी चोखा बनाना है। तो गाइज, आज सुबह ना मेरे घर पे एक चटनी बनी हुई है पहले से, और बैंगन मेरे घर पे भी है नहीं अवेलेबल, तो दादी ने बोला टमाटर का चोखा बना लो। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब लिट्टी के साथ में तो हर आदमी बैगन का वो चोखा खाते हैं ना, है कि नहीं, तो हम इस बार टमाटर का चोखा बना के खाएंगे। और पहले से एक चटनी अवेलेबल है तो यहाँ पे वैरायटी भी मिल जाएगी, तो कुछ अलग भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ लिट्टी और टमाटर का चोखा, बैंगन का चोखा नहीं बनाने वाली। तो चलो किचन में, अब फाइनली चलो किचन में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। सो गाइज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कुछ कटे हुए टमाटर, कुछ कटे हुए अदरक लहसुन धनिया प्याज, और एक कटा हुआ नींबू। और उसके बाद मैंने यहाँ लिया हुआ है चना का सत्तू, और ये लगभग 150-200 ग्राम होगा मे बी। सो गाइज, इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर प्याज, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी चॉप करके रखी थी ना, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और आप देख सकते हो जैसा कि। और गाइज, ये मेरा पहला कुकिंग ब्लॉग है तो प्लीज़ कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ मैं नींबू भी निचोड़ दे रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है हल्दी मिर्च, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आम का अचार ऐड किया है। आप चाहो तो अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो इसमें, और गाइज आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर सकते हो, और जीरा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। और मैंने इसमें क्या डाला था, हाँ अजवाइन ही डाला था बस। और वहाँ पे मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, देख सकते हो जैसा कि मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ आटा लिया है, और इसमें यहाँ पे डाल दी हूँ सबसे पहले बेकिंग सोडा, नमक, अजवाइन, ऑयल, और उसके बाद इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये इससे आप ऐसा इसमें डालो ना तो आपका आटा बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, क्या हो जाता है इससे, मतलब कि आपकी लिट्टी बहुत ही खास्ता बनता है। गाइज, फाइनली हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा आटा तैयार है, हमारा मसाला तैयार है, अब हमें बस गैस पे पकाना है इसे। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ इस सबसे, क्योंकि मेरे भाई ने मुझको चाय दिया है, देखो चाय। क्योंकि गाइस वो आया मेरे को, एक मिनट, वो आया और बोला कि तुम मुझे चाय बना के दो। तो आई वाज लाइक मैं तो लिट्टी चोखा बना रही हूँ, तो उसने कहा ठीक है तो फिर मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। तो मैंने कहा जब बना ही रहे हो तो एक कप मेरे को भी दे देना। इसके कारण पूरे घर को उसने चाय पिलाई है, और अभी यहाँ पे आटा लग गया मेरे। तो हमारा मसाला तैयार है और आटा तैयार है, मैं आपको अब बताती हूँ कि कैसे कैसे करके हम लिट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज गिव द थम्स अप, बिग थम्स अप। छोटू ऊपर क्या कर रहे हो? हेलो अनिया, हेलो बुनू, अरे ओले, वो देख लो इसको,
बच्चा बुन्नू इधर, ये देखो इसमें ओए छोटू देखोगे नहीं। सो गाइस अब देख सकते हो कि मैं यहाँ पे चिल्लाई और यहाँ पे झट से छोटू आगे और छोटू एकदम यो आयरन मैन स्पाइडर मैन की तरह क्या बोलते हैं उसको उसकी तरह अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ है भाई भाई का प्यार दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आटा का इस टाइप की ऐसे से छोटे छोटे गोला बना लिया है, इट्स लाइक पेड़ा। और इधर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे इसमें क्या करते हैं, मतलब इसमें मुझको समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा समझ जाना, मैं बना के बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ये इस टाइप का पेड़ा बना लिया है और इसको ऐसे ऐसे करो, देन आप इसको ऐसे 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 करके जितना पतला कर सकते हो उतना पतला कर देना। और उसके बाद रुक जाओ, पहले इसको पतला होने देते हैं। यार मेरा मोटर चल रहा है, क्या कर सकते हैं, बट प्लीज झेल लेना इसको थोड़ा। और इस टाइप के पतला बना लेना, देन उसमें आप इसको ये हमारा जो सत्तू है इसको ऐसे ऐसे करके अब इसमें आप ऐड कर सकते हो इस टाइप से, और इसको साइड साइड से फोल्ड कर देना फिर, ठीक है। मैं करके आपको एक बता देती हूँ, रुक जाओ। सो गाइज मैंने यहाँ पे आटा का अच्छे से लिट्टी तैयार कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रीहीट होने को रख दी थी। देन उसमें आप वो जो लिट्टी मैंने तैयार किया था वो रख दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए प्लेट से एक ढक दिया था। और ढकने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी प्लेट से ढक दिया और ढकने के थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही होने दिया है, मतलब इसे गर्म होने दिया है गाइज। उसके बाद थोड़ा सा जब ये गर्म होने लगे तो इसे मैं हटा के देख रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था, तो इसमें मैं घी डाल दे रही हूँ गाइज। आप घी पहले भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, मतलब कि कभी भी डाल सकते हो आगे पीछे। और गाइज देख सकते हो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप मतलब आगे पीछे डाल सकते हो। और वही देख लो जो कर रही हूँ यार, आप देखो आप ये चिपक नहीं रहा है। घी डालने का एक फ़ायदा होता है कि इसमें चिपकता नहीं है ये। देन गाइज देख सकते हो आप ये पक गया है और इसे गाइज बहुत ही धीरे धीरे आँच पर पकाना है और थोड़े थोड़े देर पर इसको आप चलाते रहिएगा ऐसे, और बहुत ही पेशेंस से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है ये। देन गाइज मैंने यहाँ पे घी को गर्म कर दिया है और इसमें ये जो पके हुए लिट्टी थे उसको डाल दिया है और अच्छे से भिंगो दिया है। अब जितना घी डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे घी इसको ऊपर नीचे हर तरीके से भिंगो दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चटनी, ये तिल की चटनी है मे बी, और ये देख सकते हो दिस इज फाइनल डिश जो मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्जी के साथ तैयार की है। सो गाइज यहाँ पे मेरी दादी लिट्टी खा रही है और ये बताएंगी कैसा बना है, बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसे देख लो, स्वादिष्ट पबजी है। स्वादिष्ट है, कैमरे पर नहीं बोल रही हो, सच में अच्छा है ना, बहुत अच्छा। थैंक यू गाइज, दिस इज फाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी बनाया जैसा कि दादी ने आप लोगों को बता ही दिया। तो गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, मैंने पहले बताया था कि मैं टमाटर का चोखा बनाऊंगी, बट मेरे घर पे आज बैंगन की सब्जी बनी हुई थी, तो आई वाज लाइक जब बैंगन है और हमारे घर पे एक चटनी भी बनी थी जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो क्यों ना हम इसे ही रख के खाएं, क्योंकि बैंगन का बैंगन भी हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी भी लगेगा। थोड़ा हटके है बट बहुत टेस्टी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, खाना है तो आ जाओ। हाँ तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, दिस इज द कुकिंग ब्लॉग एक्चुअली में, और मेरा फर्स्ट कुकिंग ब्लॉग था, तो अगर आप लोगों को थोड़ा नहीं भी समझ में आया हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज मैं सोच रही थी कि मेरे पास ऐसे ऐसे अतरंगी और ढेर सारे कुकिंग आइडियाज हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं और भी कुकिंग ब्लॉग्स लेके आ सकती हूँ। और मैं सोच रही थी अगर मैं इस ब्लॉग्स में और लेके आऊँगी इस टाइप की अतरंगी खानों की, एक्चुअली ये तो बहुत टेस्टी है देख सकते हो जैसा कि, तो अगर मैं और भी ऐसे ब्लॉग्स लेके आऊँ तो उसकी एक सीरीज का नाम तो होना चाहिए ना, तो उस सीरीज का नाम हम क्या रखें, अंतिका का किचन, आयु की रसोई,
आयु का खाना खजाना, अयंतिका का शॉर्ट फ्रॉम आयु। तो अगर आप लोगों को और भी नाम पता हो, मतलब कुछ नाम बना सकते हो तो कमेंट कर देना। अगर मैं वो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ऑब्वियसली मैं आगे बनाऊंगी, वरना दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस लाइक इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और क्या बोलते हैं, जो जो नहीं भी बोला वो भी कर देना वीडियो को। और बस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय, लव यू एंड टेक केयर। और हाँ, लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो वो कमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कमेंट करनी है तो फटाफट से कमेंट करो। बाय बाय। तो गाइस, मैंने आपको दादी का रिएक्शन तो बता दिया ये खाने के बाद में, पर मेरा नहीं बताया। तो आई वाज लाइक, क्यों ना मैं जब खा रही हूँ वो भी बता दूँ कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इसके लिए क्या है। तो और हाँ, प्लीज कमेंट में ये मत लिखना कि लिट्टी चोखा बोल के सिर्फ लिट्टी की रेसिपी बताई है। चोखा मैंने नहीं बताई ऑब्वियसली, तो मैं बता सकती हूँ उसकी रेसिपी, बट बैंगन नहीं था ना इसलिए बैंगन की सब्जी ही बना ली है। आप लोग भी बैंगन की सब्जी के साथ खा सकते हो क्योंकि मैं खा रही हूँ। इट्स रियली ऑसम। आप लोग ट्राई जरूर करना अगर आपको लिट्टी चोखा खाने में इंटरेस्ट है तो। और ये पता नहीं मेरे को समझ में भी अभी तक नहीं आ रहा कि चटनी किस चीज़ की है, बिकॉज ये भी बहुत अच्छी है। आई गेस तिल की चटनी है मे बी। तो अब फाइनल लुक हो चुका है और दिस इज इट फॉर, कितनी बार बोलूं, हो तो क्या, बाय बाय। सो गाइज, अब देख सकते हो कि मेरे घर में हम खानदानी कुकिंग करते हैं सारे लोग। और यहाँ ये बना रहा है पनीर चाउमीन। पनीर चाउमीन बना रहे हो ना भाई, आप देख सकते हो। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पनीर ये, और ये मुझे मार दे, मार देगा ये तो जाएगा भाई, YouTube पे तो जाएगा।